हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। तो चलो शुरू करते हैं। आज शुरू ए का एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसका साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो अभी हम जब देखते हैं तो अभी इसकी पोजीशन जो है A11 है, ये आप सभी को पता ही है। इसकी A12, इसकी A13, इसकी A21, इसकी A22, ये है 23, 31, 32 और 33। तो इसका साइन कन्वेंशन जो जो जब इवन आता है, एडिशन अगर इवन आती है तो हम वहां लिखेंगे प्लस, ऑड आती है तो हम लिखेंगे माइनस। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं A11 पोजीशन, मतलब इसका सम जो है इवन आ रहा है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे इसका साइन लेंगे पॉजिटिव। अभी यहाँ पे लिखे 1 + 2, यह हो गया 3, मतलब ऑड नंबर आ रहा है, हम लिखेंगे माइनस। तो अभी थर्ड पोजिशन 1 + 3 इवन, हम लिखेंगे प्लस। इसी तरह से हम सब साइन कन्वेंशन निकाल लेंगे। ये आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आ गया हमारे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साइन कन्वेंशन। जब हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा तब हम ए साइन मैट्रिक्स को दे देंगे। शुरू करते हैं एग्जांपल। तो जो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके हम माइनस निकाल लेंगे पहले। तो जो फर्स्ट पोजिशन है इसे बोलेंगे हम A11, तो इसका माइनस आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट है उसे हम लिख लेंगे 1 0 2 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 माइनस 2 × 0 0, तो इस ये हो गया 1। तो अभी हम निकालेंगे A12 पोजीशन जो कि ये है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के मतलब एलिमेंट आएंगे 4 0 0 1, तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4 × 1 4 माइनस 0 × 0 0, तो इसका आ गया आंसर 4। तो अभी हम निकालेंगे A13 जो कि लास्ट पोजीशन फर्स्ट रो की लास्ट पोजीशन, तो मतलब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के रिमेनिंग 4 एलिमेंट मतलब जो है 4 1 0 2, तो हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 × 2 8 माइनस 0 × 1 0, तो ये हो गया 8। तो अभी जो हमें एलिमेंट मिले हम इसे यहाँ पे मैट्रिसेस में लिख लेंगे। तो है 1 4 8, तो हम अभी सेकेंड रो निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिसेस की। तो हम लेंगे अभी पोजीशन निकालेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट जो पोजीशन है A21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हेड करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हेड करने के बाद एलिमेंट मिलेंगे हमें 1 3 2 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 और 3 × 6, तो ये आ गया आंसर -5। इसी तरह से A22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐड करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट माइनस में लिखेंगे 2 3 0 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 2 0 × 3 0 2, A23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम रिमेनिंग एलिमेंट माइनर में लिखेंगे 2 1 0 2, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 2 × 4 माइनस 0 × 1 0, तो इसका आंसर आ गया 4। तो इन एलिमेंट को भी यहां पे लिख लेंगे -5 2 और 4। इसी तरह से हम लास्ट रो भी फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड, इसी तरह से हमारा लास्ट रो के एलिमेंट भी आ गए, तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया है। तो फ्रेंड, हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया और जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जो साइन कन्वेंशन देखे अभी उनको मैच कर लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है इसे पॉजिटिव मतलब 1, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा माइनस मतलब ये आएगा -4, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव है 8, फोर्थ एलिमेंट जो है माइनस, और यहाँ पे भी जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5, तो +2 - 4 प्लस माइनस 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 3 माइनस माइनस प्लस 12, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2। ये जो आया है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है। तो इसके जो रोज है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम में उसे हम रोज में लिख लेंगे, मतलब जो हो जाएगा ए ट्रांसपोज जो कि हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज इसे हम इस तरह से लिखते हैं, और ए ट्रांसपोज मतलब जो रो के एलिमेंट है इसे हम कॉलम वाइज लिखेंगे, मतलब 1 - 4 8, सेकेंड रो 5 2 4 इसे हम कॉलम वाइज लिख लेंगे 5 2 - 4, और जो थर्ड रो है इसे भी थर्ड कॉलम की जगह लिखेंगे -3 12
माइनस टू। तो ये हो गया हमारा एडजेंट ऑफ दिस सेट।